Let me welcome you, my dear students. My name is Saima and I am teaching you the subject Short Fictional Narratives. This is our first learning session with BS English third semester. In this session, we would like to learn short fictional narratives and the way we go ahead. The concept is that we would try to find out the introduction of English literature. This is our outline of today's lecture that we will discuss today. Introduction to English literature, significance of literature, and difference between genres like short story, prose, and novel. While starting my discussion on the topic introduction to the English literature, let me tell you that literature is the reflection of life, which means through literature हम लोगों के रहन सहन, उनकी लैंग्वेज, उनकी इंटरेक्शन लोगों के साथ, उनके नॉर्म्स, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनके रिलीजन और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं. सो सिंपल इज दैट लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड इट मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट इज जनरेटेड. बेसिकली लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. हाउ? क्योंकि हम लोगों की सोशल लाइफ और उनकी एक्टिविटीज़ को लिटरेचर के अंदर डिस्कस करते हैं और लिटरेचर इन चीज़ों को डिस्कस करता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह से उनके दुख सुख में शरीक होते हैं और किस तरह से सोसाइटी में रहते हुए आगे बढ़ते हैं. क्योंकि एक सोसाइटी में सिर्फ एक रिलीजन के लोग नहीं होते, समटाइम्स ऐसे होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल लिटरेचर की बात करें तो वहाँ डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी आते हैं. तो इन सब को हम लिटरेचर के थ्रू ही डिस्कस करते हैं एंड लिटरेचर बेसिकली इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. द वर्ड लिटरेचर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेटरा विच मीन्स राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स. मतलब कोई भी लिखी हुई चीज़ जिसमें लेटर्स इंक्लूड हों लिटरेचर कहा जाता है. Initially, literature was a form of entertainment for the people. क्योंकि start में entertainment एक limited source थी लोगों के पास कि वो enjoy कर सकें. तो लोगों ने literature के through ही entertainment start की या वो entertained होते थे. अगर हम बात करें Shakespeare की, a famous drama writer, like Shakespeare जो literature लिखता था वो stage पर perform किया जाता था और ऑडियंस उससे एंटरटेन होती थी. सो इन द स्टार्टिंग इट वॉज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट अटेंड द पर्पज ऑफ रिफॉर्म एज वेल. सो राइटर स्टेटेड हाईलाइटिंग द सोशल इश्यूज इन देयर राइटिंग ताकि वो अपनी सोसाइटी में एक चेंज ला सकें और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें जिस पर कोई बात नहीं कर सकता था या वो अलाउड नहीं था कि वो इस पर बात कर सके. इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं जैसे चॉसर और जेन ऑस्टन और मैनी अदर राइटर्स और पोइट्स जिन्होंने सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया अपनी राइटिंग में और हाईलाइट किया ताकि वो लोगों में अवेयरनेस ला सकें. हम मोस्टली लिटरेचर पढ़ते हैं और हमें ये हम ये सोचते हैं कि ये लिटरेचर इसलिए लिखा गया है कि ये हमें सोसाइटी की एक ऐसी पिक्चर दिखा सके कि जो सोसाइटी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते. तो वो चीज़ें इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि राइटर चाहता है कि हम उनसे अवेयरनेस हासिल करें और सोसाइटी में रिफॉर्म पैदा हो. सो It becomes a medium to draw the audience attention to certain matters and urge or force them to think about the reform कि वो लोगों में रहनुमाई पैदा कर सकें. Literature provides escape from the grim realities of life. क्योंकि अगर हम बात करें grim realities की तो इसके through हम ट्रॉमा में जा सकते हैं. grim realities एक ऐसी realities होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हम टेंस कर देती है. तो लिटरेचर इज द सोर्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द ग्रिम रियलिटीज. लाइक जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं तो हमें एक
इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है वर्ड्सवर्थ अपनी राइटिंग के थ्रू, जिसमें हम लाइफ की जो ग्रिम रियलिटीज़ हैं, तरख हकीकतें हैं, उनसे एस्केप पा जाते हैं. सो वी कैन से दैट कि लिटरेचर इज अ सोर्स ऑफ एस्केपिज्म एंड इट ऑल्सो हेल्प द रीडर टू एस्केप द बोर्डम ऑफ देयर लाइफ. क्योंकि लिटरेचर के थ्रू हम न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं, लाइक हम न्यू कल्चर को पढ़ते हैं, हम न्यू कस्टम को जानते हैं, हम न्यू लाइफ ऑफ पीपल को जानने की कोशिश करते हैं, और हम रीड आउट करते हैं कि लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं. इस तरह से हम एक न्यू वर्ल्ड में चले जाते हैं ये, और न्यू हकीकतों को जब जाना जाता है तो आप एक न्यू रियलिटी को जान जाते हैं और आप अपनी लाइफ के बॉर्डम से बाहर निकल आते हैं. Now I'm going to discuss the definition of literature. Before I start my discussion on definition of literature, let me tell you that literature, it is difficult to precisely define the literature because बहुत से माहिरीन ने literature की definitions दी हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि literature की कोई एक specific definition नहीं है because literature is constantly changing and evolving. So we can say that there are different definitions of literature and all those are defined on the basis of its properties. Let's move on to the definition of literature, which is anything which is present in written form is called literature. Although this is the simplest definition of literature, but it is not enough to define the literature completely. We find two arguments in this definition. The first one is that if only written material is called literature, then what about the literature which was produced in ancient time and was lost during wartime? Because in ancient time, people practiced this storytelling method to present their piece of writing. लोग स्टोरी टेलिंग के मेथड को यूज़ करते थे ताकि वो लिटरेचर को महफूज कर सकें, लेकिन जब वॉर्स होती थी तो वॉर्स के बाद लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनका बहुत सारा लिटरेचर लॉस्ट हो जाता था. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लिटरेचर को हम क्या कहें, ऐसा लिटरेचर जो कि उस ज़माने में हुआ था प्रोड्यूस और अब हमारे पास नहीं है या रिटन फॉर्म में नहीं है, सिर्फ स्पीच फॉर्म में है, तो हम उस लिटरेचर को क्या कहेंगे या उस लिटरेचर को क्या कहेंगे जो हमारे पास लॉस्ट हो चुका है, जो हमारे पास रिटन फॉर्म में अब मौजूद नहीं है. सो द करेक्ट डेफिनेशन इज एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर. अब हम सेकेंड आर्गूमेंट की बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ that is available in written form is called literature. So can we say that magazines or technical books or newspapers are also literature? क्योंकि ये सब भी तो हमारे पास written form में available हैं, तो इसका answer हम simply ये देंगे कि no. Although these exist in written form, but they lack artistic taste. So the definition of literature is pieces of writing that are valued as works of arts, especially novels, play and poems, having the artistic taste. मतलब ये कि हर वो piece of writing जिसके अंदर artistic taste पाया जाता है हम उसे literature कहते हैं. The next definition is literature is an art of writing meant to give an aesthetic flair. इन राइटिंग्स को लिटरेचर माना जाता है जिससे हमें एस्थेटिक प्लेजर हासिल हो. तो वी कैन सिंपली से दैट दोज राइटिंग्स और स्पीचेस आर कॉल्ड लिटरेचर विच प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर टू देयर रीडर्स. हियर इज एन अदर डेफिनेशन विच इज रिटन वर्क्स ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चर एंड ईरा विच इज कंसिडर्ड ऑफ ए सबलाइम वैल्यू. सो बाय द डेफिनेशन we come to know that any material written in specific language,
representing a specific culture and era is called literature. It should have a sublime value. For example, जब आप किसी भी वर्क को पढ़ रहे हो तो वो आपको प्लेयर दे और आपको रियल वर्ड से निकाल कर इमेजिनरी वर्ड में ले जाए. मतलब ये कि आप किसी वर्क को पढ़ें और आप फील करें कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. सो दिस इज कॉल्ड सब्लाइम वैल्यू. सो नेक्स्ट इज लिटरेचर इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन सोसाइटी. क्योंकि ये हमें नॉलेज देता है डिफरेंट ट्रेडिशंस का, नॉर्म्स का, कल्चर्स का, सोसाइटीज का, रिलीजन का, एंड इवन अबाउट द पीपल कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से रहते हैं. सो वी कैन से दैट लिटरेचर इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन सोसाइटी. द नेक्स्ट वन इज ए फाइन आर्ट लाइक डांस, म्यूजिक इज कॉल्ड लिटरेचर. द नेक्स्ट वन इज थ्रू लिटरेचर वी कैन कन्वर्स विद द ग्रेट डेट्स एंड ऑल्सो मीट विद प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सॉक्रेटिस एंड मैनी अदर ग्रेट पीपल विद द ग्रेट पास्ट. सो वी कैन से दैट लिटरेचर के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल, वो क्या सोचते थे, किस तरह से काम करते थे और वो क्या किन चीज़ों के बारे में कहा करते थे. हेयर इज एन अदर डेफिनेशन बाय मनोज कुमार मिश्रा हु सेज लिटरेचर मस्ट वॉच द पास्ट, रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट एंड मोल्ड द फ्यूचर. मतलब ये कि लिटरेचर को पास्ट की वॉइस होना चाहिए कि वो हमें बताए कि पास्ट में हुआ क्या था और हमारे प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करे. हम जब पढ़ें तो हमें पता चल रहा हो कि हमारे आसपास हो क्या रहा है और हमारे फ्यूचर को मोल्ड करे. मीन्स हम लिटरेचर के थ्रू अपने फ्यूचर को भी मोल्ड कर सकें. नाउ मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर. द फर्स्ट वन इज लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म. Escapism from grid realities, escapism from worries, escapism from boredom of life. क्योंकि literature के through reader खुद को imaginary world का part समझ रहा होता है, तो जब वो part imaginary world में चला जाता है तो वो वहाँ की खूबसूरती की वजह से escapism पा जाता है from their worries, from their grid realities and from their problems. द सेकेंड वन इज लिटरेचर इम्प्रूव्स योर कमांड ऑफ लैंग्वेज. मतलब थ्रू लिटरेचर आप लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई हैव एन एग्जाम्पल हेयर एंड आई एम कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ जेन ऑस्टन, जिसने स्कूल से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं की थी क्योंकि उसके फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो उन्होंने लिटरेचर को स्टडी किया और लिटरेचर को स्टडी के थ्रू अपनी लैंग्वेज पर कमांड हासिल की और राइटिंग स्टार्ट की. सो वी कैन से दैट लिटरेचर इम्प्रूव्स योर कमांड ऑफ लैंग्वेज. द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर टीचेस यू अबाउट लाइफ, कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं कि हम शेक्सपियर की राइटिंग को जब भी पढ़ते थे या फिर कोई भी ऐसा राइटर जिसकी राइटिंग को पढ़ते हैं हम, तो वो हमें क्या बताता है? हमें वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के बारे में बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था. फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं एक नॉवल लाइक हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, तो इस नॉवल को पढ़ने से हमें अफ्रीका में जो लोग मुश्किलात को और उनकी जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज थी, जो उनको एक्सपीरियंस किया जाता था, हमें उसका नॉलेज आता है. हम उनके कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम उनकी लाइफ को पढ़ते हैं कि वो किस तरह की लाइफ स्पेंड किया करते थे या उन पर किस तरह की प्रॉब्लम आई थी और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था. द नेक्स्ट वन इज इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड विच यू मे नेवर बी एबल टू विजिट इन योर लाइफ टाइम. इसमें हम अगर बात करें एंशिएंट टाइम की या फिर हम उसकी बात करें जिस दौर में एरिस्टोटल थे या जिस दौर में सॉक्रेटिस थे, तो हम वहाँ विजिट नहीं कर सकते, चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकते. तो लिटरेचर इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस कि हम उस वर्ल्ड को भी
नो हाउ हमें मिल जाए कि वहाँ उस दौर में क्या होता था, उस इरा में किस तरह से लोग ट्रीट करते थे, किस तरह से रहते थे और क्या सोचते थे, किस तरह के उनके कस्टम्स थे, किस तरह से उनके कल्चर था और किस तरह से उनकी लाइफ, किस तरह से वो स्पेंड किया करते थे। सो द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर इज द मेटोनिमी ऑफ फॉर वेस्टर्न कल्चर। हेयर द वर्ड मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर टू बाय द नेम ऑफ समथिंग दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट और थिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड सोर्ड विच रिफर्स टू द मिलिट्री अग्रेशन और वॉर। इसी तरह हम अगर बात करें तख्तो ताज की तो इसका मेटोनिमी होगा किंग। एक किंग ही तख्तो ताज का वारिस होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसी तरह लिटरेचर इज द मेटोनिमी ऑफ वेस्टर्न कल्चर जो कि वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उससे एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर प्रोवाइड्स प्लेयर टू लिसनर एंड रीडर। हाउ? लिटरेचर के थ्रू एक लिसनर या फिर रीडर प्लेयर हासिल कर सकता है, प्लेयर ऑफ न्यू वर्ल्ड, विजिटिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, कि वो न्यू वर्ल्ड को किस तरह से विजिट करता है, वहाँ के कल्चर को पढ़ता है, वहाँ के नॉर्म्स और ट्रेडिशन को जब पढ़ता है तो ही फील्स प्लेयर। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर बेयर्स एक्सपीरियंस। थ्रू लिटरेचर आप डिफरेंट एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, लाइक आप डिफरेंट कस्टम्स को पढ़ते हैं, आप रिलीजन को पढ़ते हैं, आप कल्चर को पढ़ते हैं, आप सोसाइटीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं पीपल की एक्टिविटीज़ को कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनके कल्चर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लिटरेचर बिल्ड्स एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर प्रोवाइड्स ए लैंग्वेज मॉडल फॉर दोज who hears and read it. How? It provides a model. हम अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में लिटरेचर हमें प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से मतलब एक पोइट्री में किस तरह से हमें फिगर ऑफ स्पीच मिलती है, किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है, तो ये हमें एक मॉडल प्रोवाइड किया जाता है थ्रू लिटरेचर। और ये सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करता है जो इसे पढ़ते हैं या फिर इसे सुनते हैं। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर डिवेलप्स थिंकिंग स्किल। आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप में थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाती है, आप डिफरेंट एरियाज को पढ़ते हैं, डिफरेंट पीपल्स की थिंकिंग को पढ़ते हैं तो आप में भी थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर सपोर्ट्स ऑल एरियाज ऑफ द लैंग्वेज आर्ट करिकुलम, क्योंकि थ्रू लिटरेचर हम न्यू वोकैबुलरी, राइटिंग स्टाइल, पैटर्न्स को सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर इम्प्रूव्स रीडिंग एबिलिटी एंड एटीट्यूड। इट्स कॉमन कि आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप में पढ़ने की हैबिट आ जाएगी, जब आपकी हैबिट आती है तो आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है और इसमें एबिलिटी आ जाती है आपकी रीडिंग स्किल की, तो और आपके एटीट्यूड में भी रीडिंग आ जाती है कि आपको अच्छा लगता है लिटरेचर पढ़ना और आप पढ़ते रहते हैं, आप में पढ़ने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, सिंपल इज दैट। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर प्रोवाइड्स एस्केप फ्रॉम ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ। आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप लिटरेचर में खो जाते हैं। कैसे खोते हैं? कि आप अपने रियल वर्ल्ड से निकल कर आप इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और आपकी ग्रिम रियलिटीज से आप एस्केप हासिल कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग लिटरेचर कीप्स द ब्रेन एक्टिव एंड हेल्दी। जब आप में लिटरेचर को पढ़ने की हैबिट आ जाती है तो ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है और आपका ब्रेन हेल्दी हो जाता है। हेल्दी क्योंकि आप जो आपकी वरीज होती हैं आप उनसे निकल कर रीडिंग में आ जाते हैं, तो आप जब रीडिंग में आते हैं या लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप लिटरेचर की इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और आप जो डिफ़िकल्टीज हैं आपकी आप उनसे एस्केप ले लेते हैं और आपका ब्रेन एक्टिव होता है और हेल्दी रहता है। द नेक्स्ट वन इज
लिटरेचर एक्सपेंड्स अ पर्सनस वोकेबलरी। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप न्यू न्यू वर्ड्स सीखेंगे, वो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज करेगा और आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड कर जाएगी। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग लिटरेचर इम्प्रूव्स अ पर्सनस राइटिंग स्किल। अभी मैंने डिस्कस किया था जेन ऑस्टन को, जिसने रीडिंग लिटरेचर को रीड कर करके, क्योंकि उसको शौक था कि वो जॉन डन और शेक्सपियर एंड चौसर्स इन सब को पढ़ा करती थी, और उसके थ्रू उसकी राइटिंग स्किल उसने डेवलप की थी। और अब हम अगर जेन ऑस्टन को पढ़ें तो उसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है लिटरेचर। देन द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर इम्प्रूव्स अ पर्सन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप रीड आउट करेंगे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, आपको पता होगा कि आपने कौन सा सेंटेंस किस जगह पर यूज़ करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकली जब आप बहुत ज़्यादा रीड आउट करेंगे तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, आप क्रिटिकली भी लिटरेचर को पढ़ेंगे। सो वी कैन से दैट लिटरेचर इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इन यू। एंड द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर टीचेस रीडर्स अबाउट हिस्ट्री। इट्स सिंपल कि हम हिस्ट्री के बारे में, हम हिस्ट्री में जा तो नहीं सकते, तो हमने हिस्ट्री के बारे में नॉलेज जो हासिल किया है वो थ्रू लिटरेचर किया है। तो लिटरेचर इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज जॉनराज ऑफ लिटरेचर। लेट मी टेल यू अबाउट वट इज जॉनरा। बेसिकली किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देना जॉनरा कहलाता है। ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम कंटेंट और स्टाइल की बेस पर डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं, जैसा कि ए टाइप ऑफ आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक फॉर्म और कंटेंट स्टाइल। इन अदर वर्ड्स स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर। जैसे कि अ टाइप ऑफ आर्ट या फिर म्यूजिक या लिटरेचर को हम जब कैटेगराइज कर देते हैं तो इसको हम जॉनरा कहते हैं। जब हम लिटरेचर आर्ट को उसके स्टाइल की बेस पर कैटेगराइज करते हैं तो ये जॉनरा होता है, और अगर हम लिटरेचर के अंदर जॉनरा की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री जॉनरास। दीज आर थ्री मेन जॉनरास ऑफ लिटरेचर। द फर्स्ट वन इज पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोस। इफ़ यू टॉक अबाउट पोइट्री, तो पोइट्री के अपने फीचर्स हैं, ड्रामा के अपने और प्रोस के अपने, और इन सब को हम कैटेगराइज करते हैं तो ये हमारे पास जॉनरास आ जाते हैं। नाउ स्टार्टिंग माई डिस्कशन ऑन प्रोस। सो प्रोस इज द कॉमन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई राइम और डायलॉग्स लाइक पोइट्री, एंड इट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स एवरी डे स्पीच। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारी डेली स्पीच के बहुत रिजेंबल रखता है। इट इज़ यूजली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मे यूटिलाइज फिगुरेटिव लैंग्वेज, डायलॉग, करेक्टर्स एंड इमेजरी। Prose writing is often divided into two primary categories, which are fiction and non-fiction. Fiction is narrative writing that originates from the author's imagination. यानि imagination से जो भी चीज़ें हम आती हैं, जो real नहीं होती, imaginary चीज़ें होती हैं, तो वो fiction है हमारे पास। It is designed to entertain, but it can also inspire, inform or persuade. Some examples of fictions are novel, novella, short story, myths and legends and fables. While non-fictions is the writing that is based on true events, people, places and facts. It is designed to inform and sometimes to entertain. So the examples of non-fictions are autobiography, biography, essay, डायरीज एंड जर्नल्स, नैरेटिव नॉन फिक्शंस। सो हम कह सकते हैं कि फिक्शन जो है वो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, जबकि नॉन फिक्शन रियल होती हैं। राइटिंग यानी वो खुद से नहीं लिखी होती, वो ट्रू इवेंट्स या पीपल या प्लेसेस पर इफेक्ट करती हैं। द
The next one is short story. A short story is a product of writer's imagination and it is usually around 7,500 words. Its main characteristic is that it tells a narrative and uses the elements of a story like plot, characters, setting, conflict, themes, etc. The next one is novel. Like the short story, a novel is essentially the product of a writer's imagination. A fictional prose work is called novel. Usually, it is divided into chapters. Relatively long and often complex plot it has. And story traditionally develops through the thoughts and actions of its characters. हमें novels में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं कि ये chapters में हमें मिलता है, ये chapters पर divided होता है और then ये relatively long और इसका plot बहुत complex होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त. Then हम इसकी जो स्टोरी होती है वो हमें करेक्टर्स के थ्रू या थॉट्स के थ्रू पता चल रही होती है. ए नॉवल इज कंसिडरेबली लॉन्गर. ए नॉवलिस्ट कैन डिवेलप ए वाइडर रेंज ऑफ करेक्टर्स एंड ए मोर कॉम्प्लेक्स प्लॉट. सो दिस इज अबाउट नॉवल, शॉर्ट स्टोरी एंड प्रोज. वी कैन से प्रोज इज ए ब्रॉडर टर्म इन विच शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल्स आर फाउंड इन द फिक्शनल वर्ल्ड. Now we discuss the difference between novel and short story. That short story has simple plot while novel has complex plot. Short story is dependent on one incident and novels discuss different incidents. Short story we find single emotion in it and novel it depends on many emotions. Short story depends on few characters while novel depends on many characters. Short story covers a short period of time while novels covers many years. Short story smaller word count while novel mein hame bahut zyada words milte hain, it's larger words count. And in short story we can say that it can be read in one sitting. In novel it cannot be read in one setting. Let's take a quick review of today's lecture, which is reflection of life is called literature and it mirrors the society in which it is generated. It comes from the Latin word literatura, which means writing formed with letters. Then we discussed many definitions of literature, then we move to significance of literature, and we also discussed the difference between genres like poetry, genres like novel, short story and prose. This is all about today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.